हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉन् वेलकम टू शिक्षा सो गाइज ये बड़ा एक छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसके अंदर दो इम्पॉटेंट छोटे छोटे से प्रोग्राम्स मैं डिस्कस करूँगा आपसे सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है देखो सोशल सिक्योरिटी की मैं एक बात बता दूँ आपको सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए जितनी मैं ये स्कीम्स या प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली ये आपका करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट भी कवर अप हो रहा है ठीक है तो ये मैं बार-बार बोल रहा हूं कि करंट इसके अंदर इंक्लूडेड एक तरीके से एलिमेंट है ये दो एलिमेंट एक साथ चल रहे हैं सो so, यहाँ पर हमने दो मिशंस को डिस्कस करना है एक तो आपका मिशन उत्कर्ष है और एक दिव्य कला शक्ति तो इनके बारे में देखेंगे कि क्या है मिशन उत्कर्ष और क्या है दिव्य कला शक्ति सो so, इनको डिस्कस करने से पहले पीडीएफ डी फाइल्स जो भी यूट्यूब के लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के आपको इसमें एमसीक्यूज मिलते हैं एंड यू पी कोड यू आप यूज करेंगे फिफ्टी आपको ऑफ भी मिल जाएगा एंड एम कॉम्बो कोर्स लेने के बाद आपको पी फाइल्स के लिए अलग से एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है इसमें इंक्लूडेड है आएंगे सबसे पहले मिशन उत्कर्ष के ऊपर तो मिशन उत्कर्ष बेसिकली है ना का जो प्रोग्राम है ना उसी की लाइंस पे इसको लॉन्च किया गया मिशन उत्कर्ष को बेसिकली जैसे के अंदर हम सर्टेन डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ की बात करते हैं वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है तो इसके अंदर बेसिकली है क्या पंद्रह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है ना जिनका डायरेक्टली पब्लिक के साथ किसी ना किसी टाइप का इंटरफेस है इंटरक्शन है तो इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने देखा कि हर स्टेट के अंदर या कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो काफी लो परफॉर्मिंग है ठीक है हर मिनिस्ट्री ने दस से दस से लो परफॉर्मिंग को आइडेंटिफाई किया और जैसे एस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का सारा का सारा मैकेनिज्म है कि आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रो करवाने में ऊपर लेकर के आने में हेल्प करना है तो ये मिनिस्ट्रीज भी यही एजेंडा इसमें फॉलो करेंगी कि जो हर मिनिस्ट्री ये देखेगी कि वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री किस डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म लो कर रही है अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करेगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डायरेक्टली पब्लिक के इंटरेक्शन में जो मिनिस्ट्रीज हैं ठीक है थीके? तो वो कौन कौन सी -कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वो उन डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे ठीक है तो एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया होगा कि भाई ये एवरेज है अब ये देखा जाएगा कि एवरेज से नीचे कौन कौन है तो जो एवरेज से नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा कि विद इन वन ईयर वो एवरेज पे आ जाए ठीक है एंड विद इन नेक्स्ट ईयर वो एवरेज से भी ऊपर उठ जाए तो ये बेसिकली जो है क्राइटेरिया है आपके मिशन उत्कर्ष का डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर ग्रो करना है एंड फर्दर जब थोड़ा आगे चल करके ये जो मिशन है ये क्या प्लान करता है कि जो ब्लॉक्स हैं जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं जैसे अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं ना फिर जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए ब्लॉक लेवल के ऊपर भी आइडेंटिफिकेशन हो ठीक है तो माइक्रो लेवल के ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश है मिशन उत्कर्ष के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये इनिशिएटिव है ठीक है क्लियर ये भी याद रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका दिव्य कला शक्ति या जिसको विटनेसिंग द एबिलिटीज इन डिसेबिलिटी भी बोला जाता है तो ये एक टाइप का कल्चरल इवेंट होता है ठीक है इसके अंदर बेसिकली ये इवेंट जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन है दर्सन पर, विद डिफरेंट डिसबिलिटीज उनको परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है आर्ट्स के अंदर म्यूजिक डांस एक्रोबेटिक्स इन सब के अंदर ये इनिशिएटिव रहता है कि वो आएँ और आकर के परफॉर्म करें एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का ये इनिशिएटिव है वेरियस पार्ट्स के अंदर 2019 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल लेवल के ऊपर और अलग अलग रीजन के अंदर तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है अप्रिसिएशन ऑफ देयर एफर्ट्स है ठीक है पेरेंट्स टीचर्स उन सबके हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट करने का ये एक मैकेनिज्म है और इसको ऑर्गेनाइज जो है ये दिव्य कला शक्ति को हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज और आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आ जाता है ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है इस प्रोग्राम की रनिंग को देखती है अभी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात करें तो 2005 में स्टेब्लिश किया गया था चेन्नई के अंदर और ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर ही आता है नेशनल रिसोर्स सेंटर की फॉर्म में एक्ट करता है बेसिकली फॉर जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करता है सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्विक वीडियो और ये दो इनिशिएटिव हमको यहाँ पर कवर करने थे आई होप आपको मजा इसके अंदर आया होगा कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल या कमेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय